हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई फील ऑफ हेल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लीनर की सैलरी कितनी है। तो क्लीनर की जो सैलरी है ना, वो पहले मतलब रियलिटी अगर देखोगे तो उतना में आप लोग आना नहीं चाहोगे। तो अगर 25,000 दे रहा है फॉर एग्जाम्पल इंडिया का, तो आप कैसे आओगे? पहले तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा कुवैत आने के लिए, तो समथिंग 50,000 या 60,000, 17,000 या तो 1,00,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो 1,00,000 खर्चा करने से अच्छा आप सोचोगे मैं कुछ कर लूँ इंडिया में, तो आना नहीं चाहोगे। बट आदमी आता है जो बांग्लादेश का है, वो लोग आते हैं 5,00,000, 6,00,000, 7,00,000 पैसा भर के वो क्लीनर में आते हैं। तो यहाँ पे क्लीनर की सैलरी कितनी है पहले ये बता देता हूँ। यहाँ पे क्लीनर की एग्जैक्ट सैलरी है आपको 100 KD, 100 या 120 KD, 140 KD, मतलब ये मिलेगा। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। अगर बहुत अच्छी कंपनी है तो मैं भी मिल सकता है उतनी सैलरी, बट ऐसा नॉर्मल मिलना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल जैसा अपना कंपनी में क्लीनर की सैलरी कितनी है, 190 KD, समथिंग 50,000 जैसा हो जाता है। तो अपनी कंपनी की बात अलग है, बट हर कंपनी में सैलरी अलग रहती है। तो यहाँ पर क्लीनर में आ रहे हो तो एक चीज़ याद रखना कि एजेंट के हाथ से मत आया करो, नहीं तो वो जो सबसे घटिया कंपनी है कुवैत में, नाम तो बता नहीं सकते, वो 2-3 कंपनी है, मतलब इतना घटिया कंपनी है कि आप क्या बोलो। वो बंदे लोग काम करते हैं 12 घंटे, 120 KD भी नहीं होते, 113 KD, 114 KD मिलते हैं, और बेनिफिट कुछ नहीं, ना इंश्योरेंस कार्ड, कुछ भी नहीं, बस वही पैसे मिलते हैं, और महीने में एक छुट्टी मिलती है, 15 दिन या 20 दिन महीने में एक छुट्टी मिलेगा, कभी भी दे सकता है आपको। और अपने को कैसे मिलता है, हफ्ते में एक ऑफ मिलता है, जो नॉर्मली रहता है कहीं पे भी इंडिया में, आप जहाँ पे भी मैं काम क्यों वही रहता है, हफ्ते में एक ऑफ रहता है, महीने में 4 ऑफ रहता है। बट वो बंदे लोगों को वो भी नहीं है, और सिक लीव मारेगा तो पैसा काटेगा, लेट होगा तो पैसा काटेगा, और दूसरे जगह पे काम करने जाना पड़ता है। जैसा अपना कंपनी में खुद आया मैं, तो अपना कंपनी में काम करूँगा, दूसरा कंपनी में अपने को नहीं जाना पड़ता है। बट वो बंदे लोग जो नाम बहुत अच्छा है वो कंपनी का, लेना चाहता हूँ नाम वो कंपनी का, बट क्या करा अभी कुछ बोल दिया इनकेस, तो प्रॉब्लम हो सकता है, मैं कुवैत में ही हूँ इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग समझ सकते हो। और जो कुवैत में है जो क्लीनर, वो तो समझ ही जाएगा कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो वही गाइस, और क्या बोलूँ, वो सब ऐसा घटिया कंपनी है ना, मतलब उससे घटिया मेरे को ज़िंदगी में अभी तक मेरे को देखा नहीं, वो सब कंपनी इतनी घटिया, वो सब नहीं मतलब उस कैटेगरी की कंपनी जो है सब घटिया ही है। तो यहाँ पे कुवैत में बहुत अच्छी कंपनी है जो क्लीनर है, जैसा अपनी कंपनी में बोला ना इतना घटी सैलरी देता है 190 KD क्लीनर को, कितना अच्छा है। और उसके बाद फिर डायरेक्ट ग्रोथ भी हो जाता है, जो क्लीनर से डायरेक्टली सेफ बन के अभी बंदे लोग घूम रहे हैं, या तो क्लीनर से सुपरवाइजर बन के घूम रहे हैं, क्लीनर ही सुपरवाइजर बन के घूम रहे हैं। तो वही चीज़ आते टाइम कभी भी एजेंट के हाथों से मत आया करो, एजेंट के हाथों से आओगे तो वो सब कंपनी ज़्यादा जाना पड़ता है, ऐसा नॉर्मल कंपनी में नहीं होता है। तो वही गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी अच्छा चूज करो कभी भी, और एजेंट वेजेंट के हाथ पे मत आया करो, पैसा उस लोग के हाथ पे मत दो, ऐसा नॉर्मल डायरेक्टली वापिस से होके आप तो अच्छा रहता है, उसमें आपको फंसने का भी चांस कम रहता है। और आप क्लीनर में पढ़ा लिखा तो ज़्यादा होता नहीं है, और कोई तो चीटिंग करके भी उसको लेके आ जाता है, चीट करके क्लीनर में लेके आ जाता है, तो वो सब भी थोड़ा देख के तो वापस इसलिए अच्छा है। सो गाइस, बस यही, अगर सैलरी की जाए वही 120 KD से ऊपर आपको क्लीनर में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत अच्छी कंपनी होगी तो आपको उतना सैलरी दे सकता है। क्लीनर में 100-120 KD से ज़्यादा सैलरी नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। सो गाइस, बस यही, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय।